हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कृष्ण के स्केच का सेकंड पार्ट है और इसमें हम ज्वेलरी बनाएंगे। फेस हमने फर्स्ट पार्ट में बना दिया था, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इस पार्ट में पूरा ज्वेलरी बनाएंगे हम, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने डिटेल्ड में बताया एकदम जूम कर कर एकदम अच्छे से कि आपको ज्वेलरी कैसे बनानी है एकदम रियलिस्टिक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 8B पेंसिल से मैं ये मोती जो दिख रहे हैं ना, उससे लाइन बना दूंगी ऐसे मोती मोती बना के। एंड नीचे भी वैसे ही करूंगी, मैं नीचे भी वैसी ही लाइन बना दूंगी। तो अब मैं 6B पेंसिल से अंदर की डिटेलिंग करूंगी। और ये देखो मैंने डिटेलिंग कैसे करी है, कर्ल कर्ल बनाया है थोड़े अंदर। बस ऐसे ही आप कर्ल कर्ल बनाओगे अगर छोटे छोटे, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दूर से देखोगे तो। एंड फिर 8B पेंसिल से उसको डार्क भी कर देना। और गाइज यहाँ पर 6B पेंसिल से मैं जो ये मोती बनाए थे हमने, उसकी बाहर की साइड शेडो बनानी है हमको। तो जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर, देख लो एकदम स्लोली स्लोली करना, बाहर की साइड शेडो बना देना ऐसे। 6B पेंसिल से बना रही हूँ मैं। और अब वाइट जलपेन का यूज़ करूँगी और जो मोती मोती थे उसमें थोड़ा थोड़े वाइट वाइट डॉट्स ऐसे बना देना, ताकि वो और भी अच्छा लुक आए। अब मेरे पास यहाँ पर 10B पेंसिल है और इससे ये जो पट्टी है वो डार्क करनी है। आप रेफरेंस पिक में देख सकते हैं। और 2B पेंसिल से साथ साथ इसकी स्किन भी बनानी है, तो स्किन बनाने के लिए 2B पेंसिल का ही यूज़ किया है मैंने हर जगह। और अब जो हमने नीचे मोती बनाए थे उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ मैं 6B पेंसिल से। और ये जो शेडो है नीचे और ऊपर दोनों साइड ज्वेलरी के, वो आपको बनानी है, सब में बनानी है। तो मैं जब शेडो बोलूँ आप समझ जाना कि वही बना रही हूँ मैं। और वाइट जेलपेन का यूज़ आपको करते रहना है, हम शेडो बनाएंगे तब वो हल्का हल्का मिटर जाएगा जो हमने मोती बनाए थे। तो उसको अच्छा लुक लाने के लिए वाइट जेलपेन का यूज़ कर लेना। अब मैं फिर से 6B पेंसिल का यूज़ करके इसके साइड भी मोती बना रही हूँ। एंड आप जैसे कि डिटेलिंग देख सकते हैं रेफरेंस पिक में, उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं बीच में फ्लावर और ये सब। और अब सेम कर्ल करके हमको डिटेलिंग करनी है जैसे कि पहले करी थी। अब यहाँ बीच में भी वही कर्ल्स करके डिटेलिंग कर लूंगी। मैंने यहाँ पर बहुत जूम करा है ताकि आपको अच्छे से दिखे एक एक डिटेलिंग मैं कैसे बना रही हूँ, एंड अच्छे से ऑब्जर्व करके आप भी बना पाओ। तो इसमें आपको ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है ब्लेंड का, बस आपको डार्क डार्क डिटेलिंग करनी है। आप डार्क पेंसिल यूज करो। तो यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और भी डार्क करने के लिए डिटेलिंग्स। और फिर से हम वही करेंगे, मोती मोती बना दिए मैंने साइड में और शेडो भी बना दिए। और यहाँ की नीचे की डिटेलिंग थोड़ी सी अलग करी है मैंने और बीच की लाइंस भी बना दिए। और फिर उसके साइड साइड में थोड़ी थोड़ी और लाइंस बनाई है मैंने 6B पेंसिल से। एंड वाइट जेल पेन भी यूज़ करते रहना है जैसे कि मैंने बताया आपको। अब यहाँ भी 8B पेंसिल से सबसे पहले मोती बना दिए एज अ आउटलाइन, और बीच में थोड़े बहुत फ्लावर्स टाइप है तो वो डिटेलिंग कर लेना। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको, पेंसिल आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए। एंड फिर से मैं वही डिटेलिंग कर रही हूँ, कर्ल कर्ल करके पूरा भर देना है बीच का। उसके बाद फ्लावर्स में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क डार्क कर रही हूँ आउटलाइंस के जैसे जैसे कि आपको दिख रहा है। और
फिर जो वो वापस मोती है उसमें शैडो बनानी हमको, जैसे कि हमने पहले भी बनाई थी। तो एक बात का ध्यान रखना, जब आप शैडो बनाओ उसके बाद फिर से ये जो मोती है नीचे के उसको डार्क कर लेना, क्योंकि वो लाइट हो जाते हैं बहुत। यहाँ भी मैंने पहले पूरा ब्लैक कर लिया है, उसके बाद बीच में वाइट जेल पेन का यूज़ करके हाईलाइट दिखाया है। तो ये सब आपको अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग देख के ही करना पड़ेगा, ये सब मैं एकदम डिटेल में नहीं बता सकती हूँ आपको। जितना मैं बता सकती हूँ मैंने बताया है, बाकी आपको आपके रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके करना पड़ेगा। मेन चीज़ इसमें ये कर्ल्स बनाना है, जहाँ भी आपको डिज़ाइन भरनी हो वहाँ पर ये कर्ल्स बना देना, बीच बीच के जो मैंने बनाए थे। ये ऐसे कर्ल्स हर जगह बनाने हैं हमको। इसके लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है यहाँ पर। इसमें भी बीच में मैंने कर्ल्स ही भरे हैं, देखो यहाँ पर। और इस साइड का बनाने के लिए भी मैंने सेम वही कर्ल्स भर दिए हैं बस पूरे में। तो यहाँ पर भी मैंने शैडो बनाई है, ये देखो। तो शैडो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। एंड फिर हाथ के लिए भी फिर से 2B पेंसिल का ही यूज़ किया है। यहाँ भी पूरे में कर्ल्स भर दिए मैंने। फिर वाइट जेल पेन का यूज करा है। इसके लिए 8B पेंसिल का यूज करा है डार्क करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्व करके करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब अजीब सी डिजाइन बनी हुई है। तो मैंने सबसे पहले HB पेंसिल से बनाई है इसको। उसके बाद 6B पेंसिल से ये लाइंस बना दिए बीच की, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो HB पेंसिल से बनाया था उसको 8B पेंसिल से फिर से डार्क कर लेना। एंड फिर ब्रश का यूज़ करके बस सिंपली इसको ब्लेंड कर लेना, और थोड़ा बहुत टॉम्बो इरेजर का भी यूज़ कर लेना, जिससे कि आप हाइलाइट्स दिखा पाओ। तो सेम इस साइड भी मैं ऐसे ही करूंगी। सबसे पहले HB पेंसिल से पूरा बना लिया। अब 8B पेंसिल से डार्क भी कर लिया। अब इसको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लेना, और उसके बाद मैं यहाँ पर लीड वाला इरेजर यूज़ कर रही हूँ एंड उससे मैं हाइलाइट्स क्रिएट कर रही हूँ थोड़े बहुत। अब फिर से 6B पेंसिल से ही यहाँ पर लाइंस बनानी है। अब यहाँ पर भी सेम 8B पेंसिल से मैंने कर्ल्स बना लिए एंड वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर लिया हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए। तो
ये जो बीच का पार्ट है इसमें भी बस कर्ल्स कर्ल्स बना लेना एंड आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल से बस हेयर्स बनाए हैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके। जिनको नहीं पता है इंडेंटिंग टेक्निक क्या होती है वो मेरी वीडियो देख लेना जाके, उससे हेयर्स बनाए हैं मैंने। अब चारकोल मीडियम पेंसिल का यूज़ करके मैं बाहर के उड़ते हुए जो हेयर्स है थोड़े रियलिस्टिक लगे इसलिए वो बना लूँगी। अब यहाँ इसकी डिटेलिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइंस और मोती बनाए और अंदर कर्ल्स भर दिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे कैसे ड्रॉ किया है। इसमें हाईलाइट का पार्ट भी है तो मैंने वाइट जलपेन का यूज़ नहीं किया है और उसकी जगह जगह छोड़ दी है थोड़ी। रेफरेंस पिक में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है कि ज्वेलरी में क्या क्या डिज़ाइन है, तो मेरे पास मुकुट का एक और फोटो है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। अंदर थोड़े बहुत फ्लावर्स भी बना रही हूँ मैं एंड उसके बाद हम कर्ल्स कर्ल्स बना के इसको डिज़ाइन को पूरा भर देंगे। तो मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है। थोड़ी बहुत पत्तियाँ बना के यहाँ पर उसके बाद उसकी डबल आउटलाइन कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत सर्कल्स वगैरह बनाए और उसके अंदर भी हम वही कर्ल्स कर्ल्स करके भर देंगे। यहाँ के डिज़ाइन थोड़ी स्पेशल है तो वो रेफरेंस पिक में अच्छे से नहीं दिख रही है तो मैं मुकुट से ड्रॉ कर रही हूँ। और अब वाइट जेल पेन का भी यूज़ करा है मैंने। तो पूरी ज्वेलरी ड्रॉ करने के लिए मैंने सिर्फ 8B और 10B पेंसिल का यूज़ किया है, हमको सिर्फ डार्क पेंसिल की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी सबसे पहले लाइनिंग्स बना के मैंने अंदर वो कर्ल्स भर दिए। यहाँ पर व्हाइट जेल पेन का यूज़ करना आपको ज़रूरी है वो ताकि हाईलाइट एकदम दिखे आपको अच्छे से। अब यहाँ पर भी 8B पेंसिल का यूज़ करूँ मैं और ये सब पत्तियाँ बना दूंगी। इसके अंदर बस लाइनिंग्स भरनी है हमको। और अब बाहर ऐसे मोती मोती बना देने। अब मोर पंख बनाने के लिए सबसे पहले 10B पेंसिल से डार्क पार्ट बना लूंगी मैं, उसके बाद जो लाइट पार्ट है उसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज कर रही हूँ। तो बस मोर पंख बनाने के लिए मैंने यही यूज़ किया है, लाइनिंग्स बनाई है और जहाँ लाइट पार्ट है वहाँ पर 4B और जहाँ पर डार्क पार्ट है वहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ किया है। तो अंदर का पार्ट तो बन चुका है, अब बाहर के जो फर बनाने हमको उसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बस हमको सीधी सीधी लाइनिंग्स बनानी है तो जैसे कि आपको दिख रहा है रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग ही आपको करना है जिस डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। साथ साथ व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ कर लेना एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बस यहीं तक था, होप आपको पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा कैसे बनाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।